हेलो, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टीरियोलिथोग्राफी और SLA 3D प्रिंटर के बारे में कि SLA 3D प्रिंटर किस टाइप से काम करते हैं। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि कैसे FDM 3D प्रिंटर काम करता है, कैसे SLS 3D प्रिंटर काम करता है। नाउ इस लेक्चर में हम समझते हैं कि SLA 3D प्रिंटर कैसे काम करता है। स्टीरियोलिथोग्राफी या हम लोग इसे बेसिकली SLA 3D प्रिंटिंग बोलते हैं, ये सबसे पॉपुलर और सबसे पुरानी टेक्निक है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की। इसके अंदर क्या होता है, एक हाई पावर्ड हम लोग लेजर लेते हैं और लेजर को एक लिक्विड रेजिन होता है, एक लिक्विड होता है, और उस लिक्विड रेजिन पर जब हम लोग लेजर लाइट डालते हैं तो उस लेजर लाइट के कॉन्टेक्ट में आने से वो लिक्विड जो है आपका सॉलिड बन जाता है और वो एक लेयर अपनी क्रिएट कर लेता है। और ऐसे वन बाय वन उसकी एक पूरा मॉडल हमारा तैयार होगा जो हम लोग अभी अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। तो इन नटशेल अगर हम लोग बात करें तो SLA प्रोसेस में हम लोग फोटो सेंसिटिव लिक्विड को 3D सॉलिड प्लास्टिक में कन्वर्ट करते हैं लेजर लाइट का यूज करके और फोटो पॉलीमराइजेशन मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि SLA सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग की। अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा यूज में आ रही है वो आ रही है हमारी FDM टेक्नोलॉजी, लेकिन एक्चुअली SLA जो है वो सबसे ओल्डेस्ट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है, जहां से 3D प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी 1986 में। चार्ल हुक नाम के व्यक्ति ने SLA 3D प्रिंटिंग को स्टार्ट किया। सो नाउ हम लोग बात करते हैं कैसे SLA 3D प्रिंटिंग की वर्किंग होती है और क्या क्या उसके अंदर सेक्शंस हम लोग उसको बांट सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग SLA 3D प्रिंटिंग जो पूरी प्रोसेस है उसको मैं अगर चार भागों में डिवाइड करूँ तो काफी ईजी हो जाएगा हमको समझने में। तो सबसे पहले एक टैंक होता है, इसके अंदर एक टैंक होता है जिसके अंदर जो है आपका लिक्विड मतलब वो जो आपका रॉ मटेरियल हम बोल सकते हैं जिसका हमको मॉडल बनाना है। तो हम लोग एक लिक्विड को एक टैंक के अंदर भर देते हैं और जो लिक्विड हमारा यहाँ पर वो लिक्विड रेजिन है जो काफी क्लियर होता है और लिक्विड प्लास्टिक है बेसिकली। अब जब एक बार हम उसको टैंक में भर देते हैं उसके बाद उस लिक्विड में हम एक हमारा प्लेटफॉर्म डालते हैं। प्लेटफॉर्म मतलब जिसके ऊपर आपका मॉडल क्रिएट होगा और वो जो प्लेटफॉर्म है आपका वो प्लेटफॉर्म आपका अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो मूव कर सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म होगा, वो जो प्लेटफॉर्म है आपका जो हम बोलते हैं बिल्ड प्लेट, वो आपके लिक्विड में डूबा हुआ होगा। उसके बाद हम एक हाई पावर्ड अल्ट्रा वायलेट लेजर यूज करते हैं, हम लोग एक लेजर लाइट यूज करेंगे और जब वो लेजर लाइट गिरेगी आपके लिक्विड रेजिन पर तो जो आपका लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में और एक लेयर तैयार हो जाएगी, ठीक है। और चौथी चीज जो है वो है कंप्यूटर इंटरफेस। कंप्यूटर इंटरफेस क्या करेगा, जो मैनेज करेगा आपके प्लेटफॉर्म को और आपके लेजर के मूवमेंट को, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आपके जी कोड्स रहेंगे, वो बताएगा आपके लेजर को कि आप अब किस कहां पर जाकर आपको लेजर को फिट करना है, क्या मूवमेंट होना चाहिए लेजर का, आपका जो बेड है जो प्लेटफॉर्म है उसको कितना मूव करना चाहिए, सभी काम जो करेगा आपका ये करेगा आपका कंप्यूटर इंटरफेस। तो ये चार चीजें होती है कि SLA 3D प्रिंटर के अंदर। नाउ हम लोग वर्किंग की बात करते हैं। तो जब आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो लेजर जो गिरती है वो गिरती है आपके लिक्विड रेजिन पर, और लिक्विड रेजिन पर जब लेजर गिरती है तो वो उसको लिक्विड को सॉलिडिफाई कर देती है। अब जैसे ही आपकी एक लेयर तैयार हो जाती है आपका जो बिल्ड प्लेटफॉर्म है वो एक लेयर नीचे जाता है और ऊपर नया लिक्विड आ जाता है, क्योंकि पूरे टैंक में लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर नया लिक्विड आ जाता है, फिर से लेजर लाइट गिरती है, फिर से लेयर बनती है और फिर से वो नीचे चला जाता है। तो ऐसे ये प्रोसेस लगातार आपकी रिपीट होती चली जाती है और आपका पूरा जो और आपको आपका मॉडल तैयार मिल जाता है और उस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो एक बार जब मेरा पूरा प्रोसेस जो मटेरियल का पॉलीमराइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, हम लोग जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको लिक्विड फिट टैंक से बाहर निकाल लेते हैं और एक्सेस जो भी आपका रेजिन जो बचा हुआ है लिक्विड उसमें वो ड्रेंड हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो एक्सेस रेजिन जो लगा हुआ है आपके मॉडल पे उसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद उसको यूवी ओवन के अंदर फाइनल क्यूरिंग के लिए रख देते हैं। तो आइए हम लोग डायग्राम में समझते हैं पूरा प्रोसेस को जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। यहाँ पर आपका सबसे पहले जो आपको डेस्कटॉप दिख रहा है इसका मतलब ये कि यहाँ पर आपका मॉडल तैयार होगा। एक मॉडल जो आपका तैयार हो चुका है उसको हम लोग STL फाइल में कन्वर्ट करेंगे और STL फाइल से हम लोग उसका स्लाइसिंग करके उसके जी कोड्स बना लेंगे। एक बार जब जी कोड इसके बन जाएंगे तो ये लेजर जो है वो आपके जी कोड्स के अकॉर्डिंग क्या होगी, इस जो आपका यहाँ पर प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म के आसपास जो डेस है बेसिकली आपका लिक्विड है, तो जो लिक्विड है उसके ऊपर आपका लेजर गिरेगा और ये आपकी एक लेयर बन जाएगी। अब जैसे एक लेयर आपकी बन जाती है आप दूसरी स्टेप में आएंगे तो यहाँ पर आपका जो बिल्ड प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और ऊपर फिर से लिक्विड आ जाएगा, उस लिक्विड के ऊपर फिर से आपकी लेजर गिरेगी, दूसरी लेयर बन जाएगी। सिमिलरली ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप और डिटेल में इन दो डायग्राम्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं
लेफ्ट साइड वाले डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर हमारे लेजर हैं, ये स्कैनर पर जा रही है। बेसिकली स्कैनर क्या करेगा, कहाँ पर उस लेजर को हिट करना है वो बताएगा। ये आपका प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म आपका लगातार जो है नीचे चला जा रहा है। ये जो है पूरा लिक्विड रेजिन है आसपास, जो पूरा आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है। और ये जो आपको फोटो पॉलीमर जो लिखा हुआ है, जो एरो है, ये आपका मॉडल है। तो ये आपका मॉडल यहाँ पर बन रहा है SLA प्रोसेस के थ्रू। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही प्रोसेस है। क्योर्ड लेयर्स ये हैं, ये आपका क्यूरेबल रेजिन है, ये मूवेबल प्लेटफॉर्म है, ये लेजर सोर्स है। तो SLA इस टाइप से आपका काम करता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ स्टीरियोलिथोग्राफी, SLA के क्या क्या फायदे हैं? तो सबसे पहला फायदा है कि इसकी जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है। एक्सीलेंट सरफेस फिनिश जो है इसकी, वो अदर जो प्रोसेस है आपकी उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। इजीली डुप्लीकेट्स कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज को भी हम लोग उसकी सहायता से काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सरफेस फिनिशेस फॉर एडिटिव प्रोसेस, SLA के अंदर हमको बेस्ट सरफेस फिनिश मिलता है अदर प्रोसेस के मुकाबले। सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ SLA। आई होप आपको SLA 3D प्रिंटिंग कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस लगातार चाहिए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इफ़ यू वांट टू लर्न 3D प्रिंटिंग और आप 3D प्रिंटिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पूरा कोर्स यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट से फिनिश तक सीख सकते हैं। इस कोर्स को मैंने बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया है हिंदी भाषा में। ये एकमात्र कोर्स है जो आपको 3D प्रिंटिंग में एक्सपर्टीज देगा। इस कोर्स में हम डिजाइन ऑफ 3D मॉडल से स्टार्ट करते हुए फाइनल स्टेप यानी कि पोस्ट प्रोसेसिंग तक हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। कोर्स में कवर किए हुए टॉपिक्स की ज्यादा जानकारी के लिए आप लिंक के माध्यम से कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस कोर्स में मोर देन 50 लेक्चर्स है जिसके माध्यम से मैंने अपना 5+ ईयर्स का 3D प्रिंटिंग सिखाने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। वीडियो के साथ साथ हर सेक्शन के बाद क्विज एंड असाइनमेंट दिए हैं जो आपकी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करेगी। मेरा मिशन इच स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन कम से कम कीमत में पहुंचाना है, इसीलिए इस कोर्स की कीमत मात्र ₹299 रखी गई है, जिसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप वेरीफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जिसको आप अपने लिंक्डइन और वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर सकते हैं। दिस नॉलेज एंड सर्टिफिकेट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर CV एंड जॉब इंटरव्यूज। आफ्टर इनरोलिंग द कोर्स आपको एक्साइटिंग कैश बैक भी मिलेंगे जिनका उपयोग आप नेक्स्ट कोर्स में इनरोल करने में कर सकते हैं। साथ ही साथ 3D प्रिंटिंग की 2 e-books यानी कि 2 e-books फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी जिनके मार्केट कॉस्ट अराउंड ₹7,000 से ज्यादा है। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्स आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या मेंशन ईमेल पर मेल कर सकते हैं। यह कोर्स 3 days की मनी बैक गारंटी के अंदर आता है। आफ्टर परचेसिंग ऑफ कोर्स एट एनी इंस्टेंट अगर आपको लगता है कि कोर्स वर्थ नहीं है, यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इनसाइड द कोर्स। थैंक यू।